नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कांग्रेस के तीन विधायकों के संपर्क की बातें लगातार चल रही थी, और जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जितने भी कांग्रेस के अगर हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष की और साथ ही साथ सीएलपी लीडर की आलमगीर आलम की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि और भी जो कांग्रेस के विधायक संपर्क में होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को भी जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा कि आखिर और कौन लोग संपर्क में हैं। इसको लेकर के दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, और साथ ही साथ अंबा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग इस तरह का सवाल एक एक विधायकों से कर रहे हैं। हमें बहुत ही अजीब लग रहा है ये सवाल सुन के, लेकिन जो भी हमारा सरकार में जितने भी विधायक हैं हम लोग काफ़ी संख्या में, बहुमत की सरकार है, और ये हमेशा एक माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि सरकार अस्थिर नहीं है, इससे बहुत राज्य में जनता का नुकसान हो रहा है, और इस तरह से ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी के ऊपर कोई आरोप है इसका मतलब ये नहीं कि हर विधायक से आप लोग इस तरह का सवाल करें। पार्टी कह रही है पार्टी और पार्टी है और विधायकों की संलिप्तता है उसकी जांच कराएं। देखिए, हम तो नहीं, हम बिल्कुल इन सब चीज़ों से अनजान हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि पुलिस तो बाद में कार्रवाई करती और न्यायालय, आपके पार्टी ने उनको दोषी मान लिया कि हाँ वो पैसा लेने गए थे सरकार को अपदस्त करने के लिए, आप मानती है वो पार्टी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है किस आधार पे उन्होंने इस तरह की बड़ी कार्रवाई की, वो तो आज शाम को हम लोगों को बैठक में पता चलेगा। कार्रवाई सही हुई है, आपको लगता है कार्रवाई जस्टिफाई? जब तक मैं उनकी बात को नहीं सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं भी अखबारों के माध्यम से ये सब चीज़ मुझे भी पता चला है, एक बार पता चलने दीजिए उसके बाद फिर, क्योंकि ये बहुत दुखद है। हमारे साथी थे, विधायक साथी थे, अब किस तरह से वो क्या प्रकरण था, क्या कर रहे थे, किस चीज़ में लिप्त थे, सही थे गलत थे, मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए एक बार पता चलने के बाद ही हम कुछ। अनूप जी ने दो FIR दर्ज कराए, एक में कहा कि हाँ विधायक ही उनको ऑफर दे रहे थे, आपको कोई कहीं से ऑफर आपके आदमी को कोई समझ? देखिए, उनको ऑफर आता है, हमें तो नहीं आता है। देखिए, बहुत ही दुखद हुआ है जो भी है, और कांग्रेस पार्टी ने इस पे बहुत ही टफ स्टैंड लिया है, और हमारे विधायकों पर कार्रवाई भी हुई है। अब एक पक्ष तो हम लोग को दिख रहा है, और क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी बहुत गंभीर थी, मेरी भी दिल्ली लोगों से बात हुई है, और हाई कमान ने विधायकों की कहीं अगर कोई समस्या है तो उस पर सत्र के बाद बात करने की बात कही है। पार्टी बहुत गंभीर है पूरे प्रकरण को लेकर के, कार्रवाई भी हुई है, और आगे अगर कहीं कोई बात है सरकार के बीच गठबंधन के बीच की बात है तो मुझे लगता है सत्र के बाद उस पर गंभीरता से चर्चा होगी। की मांग कर रही है बीजेपी, पूरे सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। भाजपा पहले जांच की मांग करे कि वो पैसे आए कहाँ से थे, उसकी जांच हो जाए तो फिर बर्खास्त कौन होने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के विधायक होंगे या भाजपा के शीर्षस्थ नेता, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कि इसमें कई और विधायकों के संलिप्तता की बात सामने आ रही है, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है कि हम जांच करा रहे हैं और दो और भी दोषी हैं। मैंने आपसे कहा कि पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता से ली है, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की है, और इस बात को और भाजपा आगे बढ़ाते हुए किसी तरह की डिस्टेबिलिटी की तरफ ना बढ़े उसके लिए पार्टी गंभीर है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो बात अगर कहना बोलना भी होगा तो हम लोग अपने पार्टी के अंदर बोलेंगे। तो आपने यहाँ पर दीपिका पांडे को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच चल रही है और उनसे किसी ने भी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया था। अब अगर हम बात करेंगे अंबा प्रसाद की, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है वो एक तरफा ही हम लोग मैंने सुना है, आगे जो भी होगा वो बैठक के बाद ज़रूर पता चलेगा, लेकिन मुझसे किसी ने भी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया था। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार, रांची से मैं पूजा, नमस्कार।